जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, सभी मेरे हिंदुस्तानी भाई को जो सनातन धर्म को मानते हैं, रामनवमी है और बहुत ही शांत तरीके से लोगों ने मनाया। नवरात्रि भी चले होते घर में रह के भगवान को आस्था मान के उनकी आस्था रखी और नवरात्रि भी लोगों ने मनाए। बट मैं आज की जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह यही मेम्स बढ़ रही है, पोस्ट शेयर हो रही है, कोरोना जिहाद, कोरोना जिहाद। ये एक तरफ से माना जाए तो सही भी है। कैसे? जैसे कि आपको पता है, कोरोना जो था वो चाइना में नवंबर में इसके वो प्रूफ मिलना स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद दिसंबर 31 को WHO ने इसको एक बीमारी घोषित कर दिया, कोविड 19। उसके बाद ये भारत में हर एक जगह फैलने लगा। भारत में भी फरवरी महीने में आ चुका था, उसके मार्च में थोड़े से केसेस बढ़ गए। उसके मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने 16 मार्च को 31 मार्च तक भारत बंद रखने, लॉकडाउन रखने का फैसला किया था और जारी कर दिए थे। और इनका जो तबलीगी जमात था, जो निजामुद्दीन मरकज में होता है, लगभग हजारों लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो इनका वो जो तबलीगी जमात था वो था 18 से 24 मार्च। कानून ने, सरकार ने आदेश दिया था 16 मार्च को, इसके बावजूद भी ये गए। जाना जरूरी था या जान जरूरी है, ये बात बताइए मेरे को। इससे साफ जाहिर होता है कि इनका मकसद क्या है। पूरे देश से भारत में ये चीज आई, कोरोना की बात कर रहा हूं मैं, लगभग मार्च फरवरी महीने में आ चुकी थी, लेकिन मार्च में थोड़े से केसेस ज्यादा हो गए। उसके मद्देनजर सरकार ने ये फैसले कर्फ्यू, फिर लॉकडाउन, ठीक है। तो ये एक बात बताइए मेरे को, जिस तरह से लोग पोस्ट शेयर कर रहे हैं ना, कोरोना जिहाद हो भी सकता है, क्यों, इसके बावजूद भी क्यों गए? सरकार ने लॉकडाउन कर दिया 31 मार्च तक, 18 को इनका फंक्शन था, और इन्होंने पहले ही देशों में तो पहले फैल चुका था, इटली, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, सिंगापुर, मलेशिया, इनमें तो पहले ही फैल चुका था ये जो था कोरोना, तो उसके बावजूद भी ये पहले वहां पे आए। भारत ने तो 14-15 तारीख को इंटरनेशनल फ्लाइटें बंद कर दी, तो इससे पहले इनका मकसद क्या था? पहले इन्होंने बुला लिया था वो लोगों को, और आज भी उसमें छुपे। देखिए दोस्तों, एक बात को ध्यान में रखिए, पिछले 4 दिनों से जहां भारत में केसेस कितने थे, लगभग 1100, और आज कितने हो गए, लगभग 2000 के नियर अबाउट हो गए हैं, और उसमें 61 लोगों की मौत हो चुकी है। वो मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ये कैसे फैला, कश्मीर में मामला हुआ तबलीगी जमात से इसका लिंक, मुंबई में, कर्नाटका में, झारखंड में जितने भी केस हुए वो तबलीगी जमात से बताया जा रहा है। और लगभग आज पिछली रिपोर्ट जो आ रही थी उसमें 200 पॉजिटिव बताए जा रहे थे, ठीक है, और आज 500 से ज्यादा पॉजिटिव बताए जा रहे हैं और केसेस लगभग 2000 से प्लस हो चुके हैं। तो इनका मकसद क्या है? देखिए दोस्तों, एक बात मैं यहां पे बताना चाहूंगा, ठीक है, जो जिहाद करने आते हैं, जैसे कि वो दूसरा आया था कसाब आया था, फिर ये सुसाइड बम्बर बन के आते, जैसे पुलवामा में हुआ, यूरू अटैक हुआ, ये अपनी जान की परवाह नहीं करते, इनको शिक्षा यहां पर मिली होती है। मौलाना मुसाद का अपने इंटरव्यू सुना, उसमें क्या बोला कि हम मुसलमानों को बैठने दिया जा रहा है, हम बैठ के करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, मुसलमानों को अलग किया जा रहा है। इनका मकसद क्या है? मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं, इन जिहादियों के खिलाफ हूं। इनका मकसद क्या, क्या सिखाते हैं वहां पे? जब देश महामारी से जूझ रहा है, वहां पे इनकी मीटिंग करना जरूरी था, इसे साफ जाहिर होता ना, कोरोना जिहाद, ठीक है। अब जो लोग देखिए, जहां भी मरे और केसेस बढ़ रहे हैं, मैंने क्या बोला, ये सुसाइड बम्बिंग करने से भी डरते हैं, जैसे कि श्रीलंका में हुआ, आपको पता ना, वहां पे सुसाइड बम्बर बन के आए थे, ठीक है। तो ये सुसाइड बम्बर बनने से नहीं डरते हैं, तो कोरोना तो जस्ट लगभग 1 महीना रख लो मरने में, अगर इनकी यही मंशा है ना, मंशा तो साफ जाहिर होती है कि लॉकडाउन हो उसके बावजूद क्या कर रहे हैं। जाना जरूरी था या जान जरूरी थी, ठीक है। अब जिहाद की बात कर ले, ठीक है, जिस बंदे ने सोच लिया कि मेरे को हो गया है, तो वो क्या करेगा, जगह जगह घूमेगा, किसी को टच करेगा, किसी जगह में थूकेगा, किसी जगह को आस लगाएगा, तो कोरोना क्या, आपको पता है कि लोहे की वस्तु, स्टील वस्तु में सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, तो वो भी हो सकता है, किसी से हाथ मिलाएगा, तो जिहाद ये सही हो रहा है। उस मौलाना को देखिए आप ना, फिलहाल सरकार ने इनको क्वारंटाइन कर लिया, केस यार मारो इनको, मरने दो इनको भड़वों को, एक तरफ से सही भी कर रहे हैं यार। हमारे लिए कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन, इतने इतने बड़े मंदिर है जहां से करोड़ों की आमदनी होती दिन की, वो सब बंद कर दिए गए। नवरात्रि हमारे 9 दिन चलते हैं, ठीक है, तो वो बंद कर दिए गए। कितना बड़ा हिंदू धर्म, हिंदुस्तान है ये, सनातन धर्म है, लोग अपने धर्म को मानते हैं, कई मंदिरों में जाते हैं, वो सब बंद कर दिए। इनका ये तबलीगी जमात जो है, पूरे देखिए अपने देश की भी बात होती तो बात अलग था, वर्ल्ड से लोग बुलाए उनने, और कितने केस देखिए ना इनकी बदौलत, तो लोग सही कर रहे हैं। आपको पता है, जितनी भी इनने, आप रिकॉर्ड हिस्ट्री देख लीजिए, शाहीन बाग का भी आपके सामने पड़ा है, कश्मीर देख लीजिए, अयोध्या बेटी को देख लीजिए, कितने भी मामले, ये चाहते क्या है भाई, हम इस्लाम के खिलाफ नहीं है, हमें तो भाईचारा चाहिए यार, हम तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई, बट ये देखिए ना, ये है कोरोना जिहाद। मैंने क्या बोला, एक बंदे को हो गया, सुसाइड बम्बर बनने से नहीं डरते हैं वो,
तो इसको टच करेंगे, वहां पे थूकेंगे, किसी चीज को हाथ लगाएंगे, तो होगा ना। सरकार तो लॉकडाउन कर रही है, पर ये देखिए ना, खुद देखिए आप कि हमारा धार्मिक कर्म तो जाना जरूरी था, लॉकडाउन होने के बावजूद भी, विश्व बीमारी घोषित होने बावजूद भी। तो कोरोना जहर नहीं तो क्या है? मौलाना साहब की आपने बोल सुन ली है, उन भड़वों की सुन लिया आपने, जो मौलवी जगह ने फैलाया, कितने किस्से सामने आ रहे, तमिलनाडु से, इतने महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, हिमाचल से, मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट के। यार दुख होता है भाई, जो फिर यहाँ पे अपने लोग बोलते हैं कि तुम लोग वो फैला रहे हो, हेट हेट फैला रहे हो, बहुत सी पोस्ट शेयर हो रही हैं, हेट फैला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमें बाहर निकालना चाहते हैं। तो आप खुद समझिए यार, क्या आई है, हम इस्लाम के खिलाफ नहीं, जिहादियों के खिलाफ है जो ऐसा करना चाहते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं आपको ये सजेशन देना चाहूंगा, इन जिहादियों से दूर रहे, जहां जहां से ये लोग मिले हैं ना, और छानबीन की जा रही है मस्जिदों में, हर जगह छानबीन की जा रही है, हो सकता है कि अगर कोरोना जिहाद ये फैलाना चाहते हैं, चुप चुप के कहीं भी आ सकते हैं, तो सावधान रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। कहीं भी अगर आप ऐसे लोग दिखते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए, सतर्क रहिए, इनका कोरोना जिहाद अब जैसे कि आपने सुन लिया पूरे देश में फैल रहा है, क्या पता किसको लग जाए। अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपनी बहनों, रिश्तेदारों को सतर्क रखिए और ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्या पता इनकी मनसा को हम नहीं जान सकते। जिस तरह से इनने भारत देश को, अभी की बात नहीं कर रहा हूं, पहले को देख लो, इनने अखंडता को समाप्त करना चाहना, इनका परचम लहराना चाहते हैं ये पूरे वर्ल्ड में, इनका कोई पता नहीं है भाई, क्योंकि देश के लिए वो किसके हो सकते हैं। तो सतर्क रहिए, स्वच्छ रहिए और इनसे दूर रहिए। जय हिंद।